जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, जो पिछले दिनी अजनाले घटना वापरी है, आपा सब ने देखिया कि वारस पंजाब दी जथेबंदी भाई साहब भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा, उन्हां दा साथी जिहदे उत्ते झूठा मुकदमा बना के परचा होया ते जिन्हों पुलिस ने अरेस्ट किया, ते जिहदे विच भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा जी ने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस विच कहा भी पुलिस जिहड़ी अपनी कार्रवाई सही तरीके नाल करे, भी झूठा परजा ओ ना करे साडे ते, भी नहीं तो असीं कल नूं थाने दा घेराओ करना। पहला अलर्ट कीता, पहला बेनती कीती, पर जदों कोई न्याय नहीं मिलिया ते फिर अगले दिन उन्हां ने जो प्रोग्राम उलीकिया धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अगवाई विच गुरु साहिब नूं मूहरे ला के ते उन्हां ने अजनाले थाने दा घेराओ कीता। ते गुरबाणी दी एक पंक्ति है, तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही, तुम है मेरा परिवार है। मतलब कि सच्चे पातशाह तू ही मेरा परिवार है, तू ही मेरी ओट आसरा है, तेरे बगैर मैनू कोई आसरा नहीं। भाई अमृतपाल सिंह जी ने गुरु साहब का आसरा लैके, गुरु साहब की ओट लैके एक कार्य आरंभिया। पहली गल गुरु की ओट, दूजी गल कि भाई अमृतपाल सिंह जी कोई दुध पींदे बच्चे नहीं, भी उन्हें इन्ने अनजाण 52 हुक्म कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उचारे है, ते उन्हां विचों यह भी हुक्म है भी मेरा सिख राजनीति भी जानदा होवे, शाम दाम दंड भेत भी जानदा होवे। ते भाई साहब जी ने गुरु साहब नूं नाल लैके जाण दा इह तहैया क्यों कीता, क्योंकि जे ओ गुरु साहब नूं नाल जांदे तां फिर उन्हां नूं किसी ने थाने दे नेड़े भी नहीं सी आउण देना, पहला ही बैरीगेट ला, क्योंकि जिथे संगत नूं रोकिया, किन्नियां संगतां मालवे माझे दुआबे तों जा रहियां सी जिन्हां नूं राह राह दे विच बैरीगेट ला ला के रोकिया, ते कईआं ने बड़ा दुख मनाया, थैली बिल्ली जिहड़ी है थैलियों बाहर आ गई उन्हां दी, इन्नी ईरखा इन्ना साड़ा। ओ भाई जे गलत नूं गलत कहना ओ ईरखा नहीं, पर सही नूं भी गलत कहना ये बहुत वड्डी ईरखा है। ते भाई अमृतपाल सिंह जी ते तां तुसीं बहुत अपना साड़ा पेश कीता, अपने दीवाना विच बहुत बकवास कीती, पर किसी ने यह भी हिम्मत रखी भी पुलिस वालिया ने झूठी कार्रवाई क्यों की, गौरमेंट ते किसी ने तवा लाया, क्योंकि इन्नी हिम्मत नहीं है। भाई अमृतपाल सिंह जी ने क्या होया कि सिखां ते मैनू कोई इतराज नहीं, जो मर्जी मैनू कहिंदे फिरन, मैनू कोई दुख नहीं तकलीफ नहीं, क्योंकि तुसी बेखौफ होके बोले हो, ते तां करके थोड़ा मूह पै गया। दूजी गल चलो मान लिया जावे भी 1% भी तुसी सही हो, भी गुरु साहब नहीं ले जाने चाहिए सी, उन्हां दी निजी लड़ाई है, उन्हां दी निजी लड़ाई नहीं है, उन्हां दा पंथक मुद्दा है, पंजाब दे लोकां दे हक सच दी ओह लड़ाई लड़दे है। इन्नी ईरखा विच ना सड़िए भी असीं ही असीं ठेकेदार हैं पंथ दे कौम दे, भी होर किसी नूं सिर चक्कण ही नहीं देना। किन्नी थोड़े विच होमे है इन्हां प्रचारकां दे विच, किन्नी इन्हां च ईरखा आ, एदू वध होर नहीं है। जे बरगाड़ी मोर्चा लग्या उत्थे भी तां गुरु साहिब नाल ही सी, फिर किन्ने किन्ने मोर्चे फतेह कीते, जे दिल्ली किसानी मोर्चा लग्या उत्थे भी तां गुरु साहिब नाल ही सी। गल तां हक सच दी लड़ाई है, भाई अमृतपाल सिंह जी थां थां अमृत छका रहे आ, नशे छड़ा रहे आ, किन्ना भला पंजाब दा करदे आ,
किन्ने NRI वीर जेडे विदेशा चो पक्के तौर ते इंडिया आने लई तैयारी कर रहे है, पंजाब नू हसदा वसदा वेखना चाहुंदे है। ते जेडे लोग अज डींगा मारदे है, बाहवां उच्चियां कर कर करके भाई अमृतपाल सिंह जी नू माड़ा कहिंदे है, भाई इन्नी ईरखा विच ना सड़ो, क्योंकि साहब कहिंदे जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला, तुहाडा कदे भला नहीं होगा। गुरु साहब दा बचन है इह, जिहड़ा बंदा किसे नू वेख के सड़दा ईरखा करदा है उहदा कदे भला नहीं हो सकदा, महाराज कहिंदे। तो सुधरो भाई, कोशिश करो, हक सच दी गल करो। पंजाब नाल इन्ना धक्का हो रहा है, वो देखिया तुसी, पुलिस दे वड्डे अफसर ने खुद बयान दिता है पिछले दिनां च कि नशा की बंद होना है, गौरमेंट दीआं गड्डियां च तां नशा सप्लाई हो रहा है, पंजाब नूं तां चारे पासिओं मारन ते लगे हुए है। तो भाई बहुत दुख लग्या, ते प्रचारकां नूं बेनती है, जे थोड़ा ढिड इन्ना क भरिया होया कोड़ नाल ईरखा नाल, ते कोशिश करो, गुरु साहब दी हजूरी विच तां सत संगत कैसी जाणी है जिथे एको नाम विखाणी है। संगत विच गुरु दी हजूरी विच नाम तो बगैर सतसंग नहीं है, महाराज कहिंदे। उत्थे नाम दी गल करो, गुरु दी गल करो, तुहाडी इह बकवास एक दूजे दे प्रति चिक्कड़ सिटना, ईरखा दे बोल करने, ये तुसी प्रचारक नहीं है, कोई सच दे प्रचारक नहीं तुसी, तुसी ईरखा दे भरे हुए हैं, थोड़े अंदर कोड़ रिझदा, हर वेले तुसी कोड़ दे विच भरे पीते हो। जे हिम्मत है ते गौरमेंट नू बोलो, आ बंदी सिंघां दी रिहाई लई बोलो, है किसे च हिम्मत बोलण दी, क्योंकि तुसी गौरमेंट दे तां दलाल हैं, गौरमेंट नाल तुसी रले हुए हैं, ये स्पष्ट हुंदा है। ते मैं यही बेनती करनी सी, क्योंकि कई दिनों तो मैं वेख रहा मीडिया दे विच बहुत रौला पै रहा इस चीज़ का, भाई अमृतपाल सिंह जी ने की माड़ा करता, भाई गुरु ग्रंथ साहब थोड़े प्यो दे ने, गुरु साहब तो सब दे सांझे है, महाराज कहिंदे आपन बापै नहीं किसी को भावन को हर राया, रब किसी दे प्यो दा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब सब दे सांझे है, और कल्ले सिखां दे नहीं, ये चौं वर्णा दे सांझे है, सारिआं दी सारी यूनीवर्सल गुरु है गुरु ग्रंथ साहब, जिहड़ा मर्जी गुरु साहब दी ओट लै सकदा, गुरु साहब दी बाणी पढ़ सकदा, गुरु साहब दी ताबिया बह सकदा। तो ये बेनती प्रवान करनी, यही कहना सी, क्योंकि बहुत मन दुखी हुंदा जदों इन्हां ईरखालू प्रचारकां नूं वेखदे आ, प्रचारक तुसी बने हुए आ गुरु दी हजूरी च बह के, ते ईरखा दे विच तुसी सड़े बल्ले आ, तुसी लोकां नूं की समझाओगे, थोड़े अंदर आप इन्ना इन्ना कोड़ है, बंदे बन जाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।